हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे मैंने नीट 2021 में 345 आउट ऑफ 360 स्कोर किया। हाँ, ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि इतना अच्छा स्कोर भी नहीं है, काफ़ी लोगों ने तो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करे हैं, लेकिन इसलिए जो मैंने गलती करी थी वो आपने दोहराए, वो गलतियाँ भी मैंने इस वीडियो में मेंशन करी है और उसको समेट के मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी है, जिससे आप नीट 2022 में या 23 में 360 आउट ऑफ 360 पूरा स्कोर कर पाएं और 720 आउट ऑफ 720 भी स्कोर कर पाएं। तो इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली फॉलो एनसीईआरटी, ये तो सबने बताया होगा और आपको ये, और ये मैं भी बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी जो है वो तो पूरी फॉलो कीजिए ही, उसी से नोट्स बनाइएगा और उसी को तो लगभग 10 बार रिवाइज कीजिएगा। और जो पॉइंट है कि इसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपको कोचिंग वाले देते हैं उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उससे भी डेफिनेटली 5 से 10 मार्क्स का जरूर कुछ स्कोर आ जाएगा आपका। जो लास्ट के ये 15 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं, वो उसी पे टिके होते हैं, तो इसलिए वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो इग्नोर मत कीजिएगा, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड पॉइंट, आपको डे 1 से एनसीईआरटी में से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो जो नॉन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हटा के जो एग्जाम में पूछी जा सकती है और जो आपको रिवाइज करनी है और याद करनी होती है बार बार इन्फॉर्मेशन, और जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और एग्जाम में पूछी जा सकती है वो आपको उस नोट्स में लिखनी है और उसी को बार बार रिवाइज करना है और बार बार रेफर करना है। जब भी आपका हाफ सिलेबस टेस्ट होता है, पार्ट टेस्ट होते हैं, फुल टेस्ट होते हैं, उन सब में आपको वही एक जो नोट्स होंगे उसी को बार बार रेफर करना है और उसी को फोटोग्राफिक मेमोरी के रूप में रजिस्टर करना है अपने दिमाग में बार बार, और आपको वो एक नोट्स 10 बार रिवाइज करनी है राधर देन 10 नोट्स आप एक एक बार रिवाइज करें। और जो नोट्स आप बनाओगे उसी के अंदर आपको जो डायग्राम्स होते हैं एनसीईआरटी के वो लिख लेने हैं। और घबराइए मत, अगर आपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन किया है, अगर आपने एनसीईआरटी अंडरलाइन करी है और 3-4 बार उससे रिवाइज कर लिया है तो आप वही रिफर कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में वो एज अ फोटोग्राफिक मेमोरी रजिस्टर हो चुका है और इसलिए बार बार अलग अलग नोट्स मत रिफर कीजिए। अगर आपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लिया है तो उसी से पढ़िए, और लेकिन अगर आपने सिर्फ 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ी है उस चैप्टर की तो उसके लिए जरूर शॉर्ट नोट्स बनाए, वो काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। थर्ड पॉइंट कि आपको फ्लैश कार्ड्स, टेबल्स और फ्लो चार्ट्स ये सब जरूर बनाने हैं। और कई लोग क्या होते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं स्टार्टिंग में, जैसे मैंने भी इग्नोर करा था, लेकिन आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको बनाने ही हैं, या आपके जो फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं उसके लिए बेटर रिटेंशन में आपके काम आएगा। अब आप अभी इग्नोर कर दोगे लेकिन जब रिविजन का टाइम आएगा तब आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वापस रिवाइज नहीं कर पाओगे, और लास्ट में आप, पहले आपने कितनी भी मेहनत करी हो, लास्ट में अगर आप रिविजन ढंग से नहीं कर पाते तो फिर आपकी पूरी तैयारी बेकार हो जाती है। इसलिए स्टार्टिंग से आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये फ्लो चार्ट्स, टेबल्स और फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं ये बना के रखने हैं, और जो डायग्राम्स होते हैं उसके आपको ऑनलाइन कई सारे ऐसे पिक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें लेबलिंग हटा रखी होती है सिर्फ, तो वो आपको प्रिंट आउट निकलवा के अपने नोट्स के साथ में ही लगा देनी है। उससे क्या होगा, जब भी आप वो रिवाइज करोगे नोट्स तो साथ साथ में जो डायग्राम्स की लेबलिंग्स है वो भी रिवाइज कर लेनी है, उसको कभी भरना नहीं है, लेकिन जब भी आप उसको देखें तब रिमेम्बर करने की कोशिश करें कि इस लेबलिंग में क्या आना चाहिए और दूसरी लेबलिंग में क्या आना चाहिए, इससे आपकी जो डायग्राम प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ में होती रहेगी। फोर्थ पॉइंट, आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी में हाईलाइट किया है तो आपने कई चीजें हाईलाइट कर रखी होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जब आपने 3-4 बार रिवाइज कर लिया और आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि जो आपको बार बार रिवाइज करने के बाद भी याद नहीं हो रही है, उसको आपको दूसरे कलर के हाइलाइटर से मार्क कर लेना है। जैसे कि आपने पहले पिंक कलर के हाइलाइटर से मार्क कर रखा था इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, तो इस बार जो जो आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं हो रही है, जैसे कि कोई फैक्ट है या नंबर है, तो उसको आपको दूसरे कलर से, यानी रेड या फिर पर्पल या कोई और भी हाइलाइटर हो उससे मार्क कर लेना है, ताकि अगली बार जब आप रिवाइज करें तो आपका फोकस ज्यादा उस पार्ट पे रहे जो कि आपको बार बार याद नहीं हो रहा है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है MCQs, MTG फिंगर टिप्स में से, और ये जो बुक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखी है। इससे क्या होगा कि आप खरीदेंगे तो आपको सेम प्राइस पे पड़ेगी लेकिन सिर्फ मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो इस बुक से आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो इसमें क्या है, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे, जो कि अभी लेटेस्ट नीट ट्रेंड्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, तो इसलिए आपको इससे क्वेश्चन लगाने हैं और जो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपको नोट डाउन कर लेने हैं अपने जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे उसमें। तो अब क्या है, जो सारा लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करना होगा उसके लिए सिर्फ आपको एक नोट्स के बाद जाना होगा, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो भी आपको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है,
और जिन लोगों ने एनसीईआरटी में हाईलाइट किया था वो लोग बस एक अलग से कॉपी बना ले जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा मटेरियल लिख लेना है जो कि एनसीईआरटी से ऊपर का है, और साथ ही साथ में जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि लास्ट में रिवाइज करने पड़ेंगे उन्हें, वो उधर लिख ले। और जिन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी के उनको तो उसी में लिख लेना है, और उनका तो वन गो एक वही बुक हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने एनसीईआरटी में मार्क कर लिया है वो एक अलग से कॉपी जरूर बनाए ये वाली। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट की आपको पोस्टेड नोट्स और जो फ्लो चार्ट्स टेबल्स फ्लैश कार्ड ये सारे हैं ये अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं उसके सामने दीवार होगी या जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लेने हैं। इससे क्या होगा आपकी बार बार उसकी रिविजन होती रहेगी, कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं या कभी आपका ब्रेक होता है तब आप पैसिवली उसके बस रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग में वो काफी अच्छे रिटेंशन बैठ जाएगी उस बात की और आपके रिविजन में काफी ज्यादा काम आएगा। लास्ट में बोनस ट्रिक आपको दे देता हूँ जिससे आपको चीजें याद काफी अच्छी रहेंगी। आपको क्या करना है, कोई भी चीजें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो याद रखनी है उसको पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर लीजिए। जैसे कोई फंगिया है एस्कोमाइसिटीज, उसके काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप एक ऐसी पिक्चर बना लीजिए जो कि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक उसके डिपिक्ट कर रही हो, और सिर्फ आपको वो पिक्चर याद रखना है और आपका दिमाग जो है वो पिक्चर्स को काफी ज्यादा अच्छे से याद रखता है रादर देन जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो इसलिए आप कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद नहीं हो रही आसानी से और उसको पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आपको उस पिक्टोरियल वे में उसे रिप्रेजेंट कर लीजिए जिससे आपके दिमाग में उसकी काफी अच्छी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी। दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में वो जरूर चेक कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।